नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 15 जून 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो चलिए इन पर शुरुआत करते हैं। ये हैं कुछ आज की प्रमुख खबरें जिन पर हमारा फोकस आज रहेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है और इसीलिए अधूरा ज्ञान लेने से बचें। क्वालिटी मैटर को ही पढ़ना प्रेफर करें, क्योंकि आरएस जैसे एग्जाम में जो है मैटर बहुत मैटर करता है। इसलिए वही पढ़ें जो विश्वसनीय हो और बेहतर हो। और इसलिए मई 2021 का करंट अफेयर्स का अंक, जिसे हमने गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी के रूप में दिया है, वो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है आरएस जंक्शन के नाम से। यदि आप भी आरएस, एसआई और इसी तरह के बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारी इस बुक पुस्तक का लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। आज का हमारा पहला प्रश्न जुड़ा हुआ है सरकारी योजना से। तो कोविड-19 जिसने लगभग प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, उसी की वजह से जो हमारे प्रदेश के कलाकार हैं, जो अपना रोजगार खो बैठे हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक मुश्त प्रत्येक कलाकार को 5,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इस राशि से उन लोगों के जीवन में ज़्यादा बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन यह है कि इससे वे अपने आजीविका को थोड़ा सा जो है मदद दे सकेंगे और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो ये यहाँ पर जो है प्रयास किया गया है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। कोविड महामारी से उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी और इससे लगभग 2,000 से ज़्यादा जो कलाकार हैं उनको मदद मिलेगी। ये सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष जो है उसके द्वारा दी जाएगी। इस वर्ष जो है बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण और उन्हें संबल प्रदान करने के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से ये राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न भी राजस्थान से ही जुड़ी एक योजना का है। दोस्तों, लगातार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कृषि क्षेत्र में जो है विद्युत कनेक्शनों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने अपने किसानों को लाभ प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात की है। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का ड्राफ्ट हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत जो कृषि बिजली अर्थात अलग अलग कनेक्शन होते हैं हमारे पास, डोमेस्टिक कनेक्शन अलग होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का कनेक्शन अलग होता है, इसी तरह से जो हमारा कॉमर्शियल कनेक्शन है वो अलग होते हैं। तो इसमें जो एग्रीकल्चर वाले जो कनेक्शन हैं, जो कि कृषि के लिए 3 फेज़ के या सिंगल फेज़ के कनेक्शन हैं, उनके जो भी उपभोक्ता होंगे उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये की मदद दी जाएगी। तो 1,000 रुपये उनको जो है छूट मिलेगी उनके बिल में। लगभग 2.90 रुपये की दर से बिजली के प्रति यूनिट का भुगतान इन किसानों को करना पड़ता है और ऐसी परिस्थिति में ये राशि इनको काफ़ी लाभदायक होगी। हाल ही में सरकार की घोषणा के बाद डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं को 2 महीने में बिजली का बिल मिल रहा है, जिससे कि उनके मासिक शुल्क में भी कमी आई है। तो सरकार ने इसके लिए ये व्यवस्था की। तो प्रत्येक वर्ष जो है 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता यहाँ पर जो राज्य सरकार द्वारा मीटर से जो बिजली प्राप्त करते हैं उन उपभोक्ताओं को मिलेगी। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा और बिजली वितरण कंपनियों द्वारा द्वैमासिक आधार पर बिजली बिल यहाँ पर जारी होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और जो आयकरदाता हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी पात्र उपभोक्ता होंगे उनको योजना के साथ अपना आधार नंबर और बैंक का खाता भी लिंक कराना पड़ेगा। योजना के तहत अनुदान राशि तभी देय होगी जब उपभोक्ताओं द्वारा अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान करने के बाद उपभोक्ता को आगामी बिजली बिल पर सब्सिडी राशि देय होगी। इस योजना की घोषणा 2021-22 का जो बजट उसी में कर दी गई थी और अब इसे लागू भी किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खबर है। हाल ही में इजराइल में चुनाव हुए और उसके बाद जो नए प्रधानमंत्री है उसके रूप में नफ्ताली बेनेट को चुना गया है, जो कि यामिना नामक पार्टी के सदस्य हैं। दरअसल जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो निकुड पार्टी के सदस्य थे और उनको हरा करके यामिना पार्टी के नफ्ताली बेनेट को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया है। यामिना पार्टी के कुल 7 सांसद यहाँ पर हैं। कुल मिलाकर के 119 सदस्य जो वहाँ की संसद है, जिसको नेसेट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनको सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इजराइल की दक्षिणपंथी यामिना पार्टी जो है उसी के नेता हैं नफ्ताली बेनेट। दक्षिणपंथी क्यों बोल रहे हैं, तो जो रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ती है उन पार्टीज को दक्षिणपंथी माना जाता है। जैसे कि भारत में भी दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में भाजपा को माना जाता है, इसी तरह से यहूदी
को महत्व देने वाली, यहूदियों के लिए जो है झुकाव रखने वाली दक्षिणपंथी यामिना पार्टी है जिसके सदस्य हैं, और इनको अब प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में जबकि 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया, तो केवल एक वोट से ये जीते हैं। नफ्ताली बेनेट डिफेंस फोर्सेज की एलिट कमांडो यूनिट साइरेथ मटकल और मगलन की कमांडो भी रह चुके हैं। साल 2006 में उन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू के नेतृत्व में जो है उनके निकट पार्टी से उन्होंने काम किया, और फिर बाद में वो चीफ ऑफ स्टाफ भी बने। 2012 में नफ्ताली बेनेट द ज्यूइश होम नाम की पार्टी पर संसद के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने न्यू राइट और यामिना जैसी पार्टियों से सदस्य के रूप में चुने गए। 2012 से 2020 तक वे 5 बार इजरायली संसद के सदस्य बने और 2019 से 2020 के बीच में इजरायल के रक्षा मंत्री भी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि खेलों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत के एक खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की, जिनका नाम है विनू माकड़। कुल मिलाकर के 10 से ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस तरह से स्थान दिया गया है, और इनमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी के रूप में विनू माकड़ हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC हॉल ऑफ फेम में विनू माकड़ सहित दुनिया के और भी बहुत से प्रसिद्ध खिलाड़ियों को जगह दी है। हॉल ऑफ फेम दरअसल एक दीर्घा है या फिर एक विशेष टाइटल है जो कि अच्छे बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है जो उन्होंने किसी भी समय किया हो। तो अलग अलग 4 जो है युगों के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि प्रारंभिक युग जिसको क्रिकेट का माना जाता है 1918 से पहले का, उसके लिए दक्षिण अफ्रीका के आबरी फाल्कनर और ऑस्ट्रेलिया के मोंटी नोबल को, ठीक है। इसके बाद में दोनों विश्व युद्ध के बीच के समय के लिए, मतलब 1988 से 1945 के लिए वेस्ट इंडीज के सर लेरी कॉन्स्टेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया के स्टैन मैकनेबे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग के लिए इंग्लैंड के टेड डेक्स्टर और भारत के विनू माकड़ को चुना गया। तो विनू माकड़ 1970 से पहले क्रिकेट खेला करते थे। इसी तरह वनडे युग जो कि 1971 से 1995 का माना जाता है, उसके लिए वेस्ट इंडीज के डेसमंड हैस और इंग्लैंड के बॉब विलिस को, जबकि आधुनिक युग जो कि 1996 से 2016 का माना जाता है, उसके लिए जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और श्रीलंका के कुमार संगकारा को यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो दो दो खिलाड़ी हर एक कैटेगरी में यहाँ पर चुने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया? तो नोवाक जोकोविच, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं टेनिस के, उन्होंने स्टेफानोस सिपास को हरा करके अपने नाम किया। रोलागेरा के बादशाह माने जाने वाले राफेल नडाल को उन्होंने सेमीफाइनल में मात दी थी। अब फ्रेंच ओपन के मुखिया के रूप में या फ्रेंच ओपन के विजेता के रूप में टेबल टेनिस के सर्बिया के नोवाक जोकोविच को, टेनिस के सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो है उनको चुना गया है। इस धुरंधर खिलाड़ी का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब ये है। जोकोविच ने ग्रीस के 22 साल के खिलाड़ी को 19 मात देकर के ये खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बने, मतलब जिन्होंने एक ही ग्रैंड स्लैम को 4 बार जीता हो, ऐसे तीसरे खिलाड़ी ये बन गए हैं। चेक गणराज्य की गैर वरीय प्राप्त खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा ने रूस की अनस्तेनिया पावलिचेनकोवा को हरा करके महिला एकल का खिताब अपने नाम किया, और 40 साल बाद किसी महिला ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आते हैं तो आप इसको प्रदर्शित भी करें, इन्हें लाइक करके और शेयर करके, और इसी तरह से बने रहें मेरे साथ, देखते रहें सभी वीडियोज़। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।